subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Zunaira, वो मुल्क जो ना सिर्फ आलमी साजिशों में मुलविस है बल्कि पड़ोसी ममालिक भी महफूज नहीं है, चीन को नहीं बख्शा भारत ने, हर तरफ सरहदी तनाजात हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है और ऐसा ही जल्द होने भी वाला है। चीन जो खुद को विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर देश मानता है, दुनिया में कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल वेपन बनाकर तबाही मचाने वाले चीन को अमेरिका भले ही माफ कर दे, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कर भी दिया है, लेकिन भारत चीन को कभी भी माफ नहीं कर सकता है। वहीं भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। चीनी सेना ने तो भारत के कई इलाकों में घुसपैठ को अंजाम दे रखा है। वहीं समुद्र में भी चीन भारत के जहाजों को उड़ाने के लिए नया कानून लेकर आ गया है। इस कानून को नहीं मानने पर चीन भारतीय जहाजों को मिसाइल से उड़ा देगा। वहीं चीन की योजना है कि भारत जिस साउथ चीन सागर वाले समुद्री रास्ते से हर साल 13 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का व्यापार करता है, उसे चीन अब बंद करने वाला है। लेकिन भारत चीन की ऐसी घटिया हरकतों का परमानेंट इलाज करने वाला है। चीन के खिलाफ भारत कौन से एक्शन लेगा, इसकी पूर्व जानकारी भारत पूरी दुनिया को पहले ही बता देना चाहता है। इसलिए पीएम मोदी 22 सितंबर को अमेरिका जा रहे हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से वो अपने इरादों को बताएंगे। ऐसे में आप सवाल करेंगे कि चीन जैसे ताकतवर और हर मामले में भारत से आगे रहने वाले चीन का मुकाबला भारत की सेना कैसे करेगी, और दुनिया के कौन कौन से देश भारत के सशस्त्र बलों की कैसे मदद करने वाले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तेजी से दुनिया का माहौल एकदम से बदल गया है। अब चीन और पाकिस्तान पहले जिन आतंकियों की मदद भारत सहित दुनिया की नजरें छुपा कर करते थे, आज वही काम ये दोनों दहशतगर्द देश खुलेआम कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार ने बिल्कुल नए सिरे से सोचना प्रारंभ किया है और रातों रात लगभग आधी दुनिया के उन तमाम देशों से संपर्क कर लिया है जो भारत के साथ मित्रवत संबंध रखते हैं। इन देशों से भारत ने सिर्फ संपर्क ही नहीं किया है बल्कि चीन से जंग के समय सैन्य सहयोग लेने का भी वादा कर लिया है। इस बार भारत की ये तैयारी चीन को जरूर डरा रही है, क्योंकि भारत ने ना सिर्फ इन देशों से डील की है बल्कि चीन, पाकिस्तान या फिर तालिबान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताने के लिए खुलेआम इन देशों की सेनाओं को भारत आमंत्रित और भारत की तीनों सेनाओं को इन देशों में भेजा है, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि भारत के हितों के खिलाफ जाने वाले दुश्मनों का भारत की फोर्सेस क्या हाल करती है, चीन का कैसे और कौन से हथियार से मुकाबला करना है। इसके लिए भारत ने कई ताकतवर देशों के साथ मीटिंग कर उनके साथ युद्धाभ्यास करने के लिए तैयार किया है। इन मीटिंग्स में ये भी तय किया गया है कि भारत की जमीन पर बैठी चीन की सेना को वापस खदेड़ने के लिए भारत के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और इन देशों को भारत की सैन्य मदद तत्काल देने की बात कही गई है। भारत ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जिस चीन का अब तक दबदबा रहा है, अब भारत ने वहां पर ऐसी एंट्री मारी है कि चीन के तोते उड़ गए हैं। भारत ने अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी है, जहां चीन ने पहले से ही दबदबा कायम कर रखा है। चीन को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ भी युद्धाभ्यास की रणनीति अपनाई है। जैसा कि पहले भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार युद्धाभ्यास के जरिए किया था। पिछली बार अगस्त के आखिर में मालाबार युद्धाभ्यास पश्चिमी प्रशांत सागर के गुआम में किया गया था, और अप्रैल महीने में बंगाल की खाड़ी में क्वाड प्लस संयुक्त युद्धाभ्यास किया था, जिसमें भारत के दोस्त फ्रांस ने भी हिस्सा लिया था। अब दोस्तों, चीन से निपटने के लिए भारत ने युद्धाभ्यासों की ऐसी झड़ी लगाई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगले महीने बंगाल की खाड़ी में क्वाड प्लस यूके का नौसैनिक युद्धाभ्यास होना है। उसके बाद ब्रिटेन के साथ सेना के तीन अंगों यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का युद्धाभ्यास होगा। 24 से 27 अक्टूबर को होने वाले इन युद्धाभ्यासों के केंद्र में 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ और पांचवी पीढ़ी के हल्के लड़ाकू विमान F-35B होंगे। ध्यान रहे कि भारत ने अब तक अमेरिका और रूस के साथ ही सेना के तीनों अंगों का युद्धाभ्यास किया है, अब ब्रिटेन भी भारत के साथ आ गया है। भारत के रोल के बारे में, भारत का जो कुछ वो कर रहा है उसकी तरफ भी उसने कुछ निशानदेही की। ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल तौर पे मैं नहीं कह सकता कि ये वाकई एक मुकम्मल तौर पे गैर जानबूझकर आना रिपोर्ट है,
आप देखिए कि हमने जो डोजियर दिया था उसमें हमने 66 ऐसे कैंप आइडेंटिफाई किए थे अफगानिस्तान में जो रॉ के जेर सरप्रस्ती वहां पे चलाए जा रहे हैं। अब ये वो चीजें जो कि जमीन पे मौजूद हैं जिनको जाके देखा जा सकता है, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन हम ये कह रहे थे कि 15 सालों से हम ये कह रहे हैं कि भारत वहां से ये सारा कुछ करवा रहा है और ये अमेरिका के अपने नाक के नीचे हो रहा है, CIA वहां मुलव्वस है और नेटो के वजह से बेशुमार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सारी, एक इतना बड़ा नेटवर्क वहां पे काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का मगरबी दुनिया का। नेहरा, वो मुल्क जो ना सिर्फ आलमी साजिशों में मुलविस है बल्कि पड़ोसी ममालिक भी महफूज नहीं है, चीन को नहीं बख्शा भारत ने, हर तरफ सरहदी तनाजात हैं, कभी कोई मसला, कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, इतने सारे मामला जमा होने के बावजूद भी हमें आवाज नहीं आती कहीं से भी, कोई ये नहीं कहता कि बुरा हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग को करिकुलम में और हमारे लीडर ये बताते हैं कि इखलाक की जीत होगी, इसकी जीत होगी, जबकि उन्हें ये पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल अरीना में भी, लोकल पॉलिटिक्स में, एक छोटी सी गांव की पॉलिटिक्स में भी जीत किसकी होती है? माइट इज़ राइट, जिसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ज़्यादा बड़े होंगे वो उसके लिए ज़्यादा इंडोर्स करेगा चीज़ें, वो उतने बजट और उतने पैसे भी बांटेगा, उतने लोग भी खरीदेगा। यही आप सिनेरियो उठा के इंटरनेशनली ले जाएं तो मर्सनरीज़ को ख़रीद के आइसिस को प्रोड्यूस किया, दाइश को प्रोड्यूस किया, उससे पहले तालिबान को प्रोड्यूस किया, तो पूरी दुनिया को, एक वर्ल्ड ऑर्डर को अगर इनफॉर्मल मर्सनरीज या किलर्स की तरफ जो लेके गया वो कौन लेके गया? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि उसकी रिट चैलेंज होती थी सोवियत यूनियन की तरफ से। तो ये इतनी बड़ी मगरमच्छों की गेम है, इसमें अगर हम ये समझें कि अखलाकियात और सच्चाई ये चीज़ें मैटर करती हैं तो सॉरी, दे डोंट मैटर। वॉट मैटर्स इज कि आपका जो भी सच है, हर एक की अपनी रियालिटी है, हर एक की अपनी सच्चाई है और हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, कौन उसको कितना इतना ज़्यादा बोलता है कि वो सच लगने लगे, कौन इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है कि दुनिया उसकी तरफ मतवज्जो हो जाए, दिस इज व्हाट मैटर्स। अब अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट आई है, उससे पहले हमने डोजियर भेजा है, उससे पहले बालाकोट के बारे में, फिर अर्नब गोस्वामी के बारे में, डिस इन्फो लैब में, ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटीज हैं कि खुद एक्सपोज हो रहा है इंडिया, हम कितना ज्यादा उसके ऊपर काम कर रहे हैं मुझे तो ये जानने की जरूरत है, हम कितना उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं मुझे ये जानना है। 14 कॉन्सलेट ऑफिसेज बनाए गए थे काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करने के लिए एज अ सेंटर्स, जहाँ पे रॉ सिर्फ काम ही यही करती थी, लोगों को TTP को ट्रेनिंग कैंप्स थे वहाँ पे और पाकिस्तान में भेजती थी। हम यहाँ बैठ के कहते हैं जी हमें तो पीस चाहिए, इसी तरह हम कहते हैं हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ये डिफेंसिव पोस्चर आपका, आपको क्या दे रहा है? आज तक इसने कुछ दिया आपको?